56 का स्टॉप लॉस, प्रोटेक्ट रखिएगा अपने स्टॉप लॉसेस को और अप मूव को राइड कर सकते हैं, लेकिन कॉशियस स्टांस थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा। इसके अलावा एक अहम खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सरकार इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स स्लैब में कमी करने और एग्जम्पशन की लिमिट 5 लाख तक बढ़ाने पर विचार चल रहा है और इसका ऐलान बजट में संभव भी है। ज्यादा डिटेल लेते हैं, आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी है। आलोक, एक बड़े टैक्स रिलीफ की बातचीत यहां पर उठ रही है, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, सरकार जो है जो नई टैक्स व्यवस्था 2 साल पहले लेकर आई थी, कोशिश यही थी कि लोगों को आसानी से फॉर्म भर सकें, टैक्स बचत हो सके और उनको जो इतनी सारी टैक्स की इनकम टैक्स की पेचीदगियां हैं, एग्जम्पशन है, डिडक्शन है, उनसे मुक्ति मिले। लेकिन जो आज की स्थिति है न्यू टैक्स रिजीम को लेकर सरकार खुद बहुत परिपेश में है, क्योंकि इसको लेकर अच्छा रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो जो हमारे सूत्रों से बात हुई है, इनकम टैक्स के एक बड़े अधिकारी ने बोला कि ये बहुत ही नेग्लिजिबल रिस्पॉन्स है टैक्स पेयर की तरफ से, और जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो फॉर्म आईटीआर दाखिल किए गए हैं वो टोटल, अगर फॉर्म की बात करें, टोटल आईटीआर तो बहुत ही सिंगल डिजिट में है। लिहाजा सरकार न्यू टैक्स रिजीम जो कि 2 साल पहले एक पॉलिसी के तहत लेकर आई थी कि इसमें एग्जेम्पशन लिस्ट और डिडक्शन लिस्ट टैक्स रिजीम को बढ़ावा मिलेगा, उसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इसमें जो एग्जेम्पशन की लिमिट है, जो अभी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की देना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ी टैक्स पेयर को अट्रैक्ट करने में बहुत बड़ी बाधा है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और इसको ठीक किया जाएगा, यानी कि 5 लाख तक इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल सकता है टैक्स पेयर को। इसके अलावा जो टैक्स दरें हैं उसमें भी कुछ स्पेशलाइजेशन हो सकता है, जो अलग अलग 5, 10, 15, 20, 25% का टैक्स अलग अलग सेगमेंट में है उसमें भी कुछ रेशनलाइजेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो जो डिडक्शन और एग्जम्पशन है, कुछ जो मेजर जैसे कि होम लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे एग्जम्पशन है, उनको भी इस नए टैक्स रिजीम में शामिल करने पर विचार चल रहा है, ताकि जो नए टैक्स पेयर है वो इसके साथ जुड़े। इसके अलावा जो नई टैक्स फॉर्म की व्यवस्था है उसको भी इस बार बजट में ऐलान किया जा सकता है, उसका रोड मैप पेश किया जा सकता है, क्योंकि 15 दिसंबर तक स्टेक होल्डर्स के इस पर राय मांगी गई है ड्राफ्ट में, और जो अभी अलग अलग आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए कॉमन फॉर्म को लागू किया जाएगा, और आईटीआर 7 जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। तो कुल मिलाकर टैक्स पेयर को राहत दी जाएगी, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे ताकि टैक्स पेयर जो है इसके साथ जुड़े और एग्जम्पशन लेस और रिडक्शन लेस जो टैक्स की पॉलिसी है सरकार की आने वाले दिनों में उसको बढ़ावा मिल सके। तो एक बड़े फेरबदल की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, और जो बदलाव हो सकते हैं वो आपको आलोक बता रहे हैं, और एक नया रोड मैप या फिर एक आप कह सकते हैं कि रिफाइंड रोड मैप जो है वो टैक्स पेयर्स के लिए जल्दी संभव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक अहम खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए, और इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, तो इस लिहाज से आपसे आगे भी इस पर हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसके अलावा अगर आप मोबाइल पर ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं या ज़्यादा यूसेज है आपका टीवी का, तो आप एक और आपके लिए अच्छा अपडेट है, जहाँ पर जल्दी आपका मोबाइल बिना इंटरनेट के टीवी देख सकेंगे, मोबाइल पर बिना इंटरनेट के टीवी देख सकेंगे। दूर संचार विभाग की इकाई टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर ने टीवी का कंटेंट वाईफाई एंटीना के जरिए मोबाइल पर उपलब्ध कराने के लिए स्टैंडर्ड बनाने का एक ड्राफ्ट जारी किया है। ये पूरा अपडेट जो है ये असीम के पास है। असीम, इंटरेस्टिंग खबर थी कि खासतौर से वो लोग जो कि मोबाइल स्ट्रीमिंग काफी करते हैं, मोबाइल पर टीवी ज्यादा देखते हैं, वो बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर मूवीज देख पाएंगे, कैसे होगा सब संभव? जी सही कहा आपने, देखिए अभी आप मोबाइल पर टीवी जो देखते हैं तो आपको उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है, आपको उसके लिए डाटा जो है वो खर्च करना पड़ता है, लेकिन जल्दी आपको बिना इंटरनेट के या बिना डाटा के आप टीवी जो है मोबाइल पर जो है वो देख पाएंगे। तो दूरसंचार विभाग की एक इकाई है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर, इसने इस दिशा में काम करने की शुरुआत जो कर दी है और एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स का एक ड्राफ्ट जो जारी किया और सभी स्टेक होल्डर्स की उसके ऊपर राय जो मांगी है, अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसके ऊपर स्टैंडर्ड जो तय हो जाएंगे। इसके बाद जो भी कंपनी अगर इसमें पार्टिसिपेट जो करना चाहती है तो एक उनको एक हॉटस्पॉट जो लगाना पड़ेगा, जिससे आप अपना मोबाइल जो कनेक्ट कर पाएंगे, आपको सीधे अपनी टीम जो है आपके मोबाइल पर डिलीवर हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा। तो खासतौर पर भी सरकार को ये लगता है कि इससे जो पब्लिक प्लेसेस है या फिर रूरल एरियाज है या फिर चलती कार है वहां पर मोबाइल टीवी देना जो है काफी आसानी से संभव हो पाएगा, और इसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्ज या डेटा जो है इंटरनेट की जरूरत है वो नहीं होगी, आप आसानी से सीधे सीधे डायरेक्ट एंटीना से कनेक्ट कर पाएंगे और अपने वाईफाई के जरिए सीधे मोबाइल आपके जो टीवी है वो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर डिलीवर। कोई टाइमलाइन भी है क्या इसका? ड्राफ्ट जो है इसका स्टैंडर्ड बनाने का जारी कर दिया है, 1 महीने का वक्त जैसा स्टेक होल्डर्स को दिया गया है, 1 महीने के बाद सरकार इस दिशा में काम जो करेगी, तो 1 से 2 महीने आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो है बन करके तैयार हो जाएंगे, उसके बाद सरकार इंडस्ट्री को पुश करेगी कि आप इसको अपनाइए, आप मिडलवेयर जो लगाइए, हार्डवेयर लगाइए, इंडस्ट्री इसको टेस्ट जो करेगी, इसके ट्रायल जो करेगी, अगर उसको एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिलता है, लोग जो बिना डेटा के इस्तेमाल करने के अगर तैयार होते हैं तो जल्दी आपको पूरी सर्विस जो है पूरे देश के अंदर देखने को मिल सकती है। आपको हो सकता है कि एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन जो है मोबाइल पर टीवी देखने के लिए जो चुकाना पड़े, लेकिन फिर भी आपके लिए काफी फायदा है, क्योंकि आपको उसके लिए डेटा के लिए कोई खर्च जो है वो नहीं करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट नहीं चलेगा, कहीं भी ये सर्विस जो आसानी से उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, इंटरेस्टिंग खबर है खासतौर से उनके लिए जो कि मोबाइल पे काफी ज्यादा डेटा यूज करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और अहम खबर हमारे साथ गुजरात से होगी, छोटे से ब्रेक के उस बार।
Mogia Steel presents.